मॉर्निंग स्टूडेंट, सो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस और ये होगा हम लोग का लास्ट लेक्चर कर्व सरफेस के। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, 12th क्लास में पढ़ना है मेडिकल के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए, बट मेजर क्वेश्चन इसमें आईटी एडवांस का है। आईटी एडवांस में खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। सो लेक्चर 3 है, ये लास्ट लेक्चर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस, छोटा ही टॉपिक है। रिजल्ट मैंने लेक्चर 1 में बता दिया था, कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, 16 पॉइंट इंक्लूडिंग सारे क्वेश्चन हो गया है हम लोग का, 5 क्वेश्चन और है तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 17 पॉइंट पे क्वेश्चन आईटी के एडवांस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इससे, ठीक है, मेन में बहुत कम, मेडिकल में बहुत ही कम है क्वेश्चन आया हुआ इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है इस लेक्चर में, कंप्लीट क्वेश्चन है और अभी मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन, आप प्लानिंग करेंगे उसको, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, फिगर भी था, फिगर था कि एक ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 1.5 है, उसके ऊपर कुछ पेंटिंग किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, इस साइड एयर है। ये बस फिगर था आपका और रेड कलर लाइन और ग्रीन कलर लाइन मैंने अपने से बनाया है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इन्फानाइट, ये पैरेलल आ रहा है फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में इंटर किया, फोकस कर रहा है F1, फिर लिखा हुआ है कि लाइट फ्रॉम ग्लास टू एयर फोकस एट F2, तो हमें F1 चाहिए F2 चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका रेफरेंस हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं वो लेंगे आपको। देखिए रिजल्ट हम लोग जानते हैं, ये आईटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्लास जो मैंने 14 किया था क्वेश्चन और ऐसे मैंने बोला था, वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन था कि इस टाइप का क्वेश्चन था कि आपका यहाँ है μ1, ये है मीडियम μ2 और ये है मीडियम μ3, ऐसे हम लोग डिस्कस किए थे और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये फिगर जो है इक्विवेलेंट, ये फिगर जो है आप इसको रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ये फिगर इक्विवेलेंट टू आप जैसे यहाँ से लाइट आया और ऐसे फोकस किया था, तो ये हम लोग क्वेश्चन बनाते समय लास्ट क्लास देखे थे एडवांस का क्वेश्चन, μ2 का कोई रोल नहीं था, μ2 का कहीं कोई रोल नहीं आया था, वो क्वेश्चन हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ μ1 है और μ3 है और कर्व सरफेस हो गया, लाइट आया और ऐसे फोकस करके, और ये है F1, ऐसे ये फोकस है। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये μ2 जो मिडिल का मीडियम है ना वो हट जाता है और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं और आप बताए थे इस पे कि ऑब्जेक्ट इधर है तो μ3 और डिवाइड बाय v का मतलब फोकस माइनस μ1 बाय ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट इज इक्वल टू μ3 माइनस μ1 और r जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 आप लास्ट लेक्चर देखिएगा आपका, आप पढ़े हुए हैं और इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह फोकस इज इक्वल टू μ3 r डिवाइड बाय μ3 माइनस μ1, ये आप पढ़े हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप मेडिकल में भी क्वेश्चन आया था, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं वो फंडामेंटल रिजल्ट, म्यू सरफेस बाई यहाँ पे आपका था वी माइनस म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीडियम है μ1 डिवाइड बाई इन्फानाइट और μ2 माइनस μ1 बाई r पढ़े हुए थे। तो इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो बीच का मीडियम का कोई रोल नहीं है, ठीक है, अब देखिए समझिए। नंबर वन में आप ऐसे बनाइए, इसके ऊपर एक और कोडिंग किया गया है और इधर एयर है, ये एयर है, यहाँ है मीडियम N1 है और ये मीडियम है N2 है, ऐसे, और लाइट देखिए, लाइट यहाँ से आ रहा है और आपको निकालना है ये फोकस F1 निकालना है,
ये N2 N1 बेकार है, N1 हटा दीजिए, क्योंकि तीन मीडियम है, एक फॉस सेकेंड थर्ड, ये तीन मीडियम है। जैसे ये तीन मीडियम था तो ये जो बीच का मीडियम है ना उसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो ये तो एकदम बेकार है, ये जैसे वो पढ़े हुए वही क्वेश्चन यहाँ है। ये एडवांस का ये भी क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। तो आप जो है इस मीडियम को तो हटा ही दीजिए, ठीक है। ये तो बेकार का मीडियम है, ये N1 जो मीडियम है, N1 मीडियम को हटा दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। आपका सिर्फ ये हो गया, N2 हो गया, यहाँ पे N करेंगे एयर का वैल्यू 1 हो जाएगा, और लाइट आ रहा है यहाँ से, और ये फोकस इधर होगा, ये है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो जाएगा, और ये है आपका R, फोकस F1 होगी, R भी इधर ही रहेगा, R भी निकालेंगे तो इधर ही आएगा, हो गया। आपके पास फॉर्मूला है, ये है 1.5। सो आपके पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, म्यू सरफेस डिवाइड बाय वी माइनस म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय यू। म्यू सरफेस माइनस म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर होता है, ये आप जानते हैं। चलिए प्लानिंग करते हैं। सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कहां है इसका इमेज F1, एयर वन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पैरेलल लाइट, यहां पे 1.5 माइनस 1, आर पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में, कितना इजी सॉल्व करेंगे। 1.5 F1 0.5 आर, 3 हो गया, F1 इज इक्वल टू 3 आर। ए अभी और है, अभी F2 भी निकालना है। F2 निकालते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सेम फिगर सब कुछ तो वही है। F2 सेकेंड केस 2, इसको हटा दीजिए। अब ऐसे कर सकते हैं, लाइट कहीं से भी इधर से निकालिए ना, लाइट इधर से आ रहा है और ये ऐसे फोकस कर रहा है, ये है F2 है ग्रीन कलर, लाइट फ्रॉम ग्लास टू एयर। फिर से N1 बेकार है, N1 हटा दीजिए, N1 का कोई काम नहीं है। चलिए लाइट यहां से भेजिए, यहां फोकस कर रहा है, ये है F2, लाइट फ्रॉम इनफाइनाइट से लाइट आया। आर का वैल्यू चाहिए तो आर का वैल्यू इधर लेना पड़ेगा, इस साइड जाएंगे तो आर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लाइट के अपोजिट चल रहा है, ये लाइट यहां से निकल रहा है, ठीक। इस बार सरफेस ये होगा, ये सरफेस हो गया, लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट वाला मीडियम इस बार ये हो गया, ये मीडियम ऑब्जेक्ट वाला मीडियम हो गया 1.5 वाला, और ये सरफेस हो गया, ये n इज इक्वल टू 1 सरफेस हो गया, वो ऑब्जेक्ट उधर है, ठीक है। दो क्वेश्चन था ना, एक लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास और फ्रॉम ग्लास टू एयर। चलिए सेम चीज, बोलिए सरफेस मीडियम, सरफेस तो हो गया 1, फोकल लेंथ हो गया F2, और माइनस ऑब्जेक्ट 1.5 इनफाइनाइट, और ये करेंगे 1 माइनस 1.5, आर का वैल्यू माइनस आर क्योंकि लाइट के अपोजिट चल रहे। सॉल्व करेंगे तो 0 हो गया, 1 बाई F2 इज इक्वल टू, यहाँ हटाएंगे 0.5 बाई आर, सो हटा लीजिए, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो F2 इज इक्वल टू 2 आर। को ऐसा देखेंगे 2 आर, F1 और F2 दोनों निकालना था, यस आंसर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन, रेफरेंस यही था जो हम लोग लास्ट क्लास IT का एडवांस का क्वेश्चन, फिर PMT का क्वेश्चन पढ़े थे, और ये फिर से एडवांस वापस आ गया।
कि ऐसा सरफेस रहेगा तो ये इसको हटा देना है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एडवांस का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और फिगर बना हुआ है, पेपर में फिगर बना हुआ है और फिगर में दो कर्व सरफेस है, एक सरफेस S1 है, दूसरा H2 है और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है 10 सेंटीमीटर और दोनों के कर्व सरफेस के बीच में डिस्टेंस डी, वही डिस्टेंस डी हमें निकालना है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है S1 में 50 सेंटीमीटर पे और बोला जा रहा है कि जस्ट लाइट निकला पी से और फाइनल लाइट जो है H2 से होते हुए पैरेलल टू लिखा हुआ है, पैरेलल टू द एक्सिस इन साइड H2, H2 के अंदर एक्सिस के पैरेलल जो है फाइनल लाइट आ रहा है। मैं रे डायग्राम बनाता हूं और फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का काफी अच्छा सा बट इजी सा क्वेश्चन है। तो ये है हम लोग का एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है कर्व सरफेस और एक और सरफेस है, कर्व सरफेस है और हम लोग ऐसे ड्रॉइंग करेंगे। ये है कर्व सरफेस, हम लोग ऐसे ड्राइंग करेंगे, ठीक है। ये सरफेस S1 है और ये सरफेस है S2, ठीक। इनके बीच में डिस्टेंस डी है, चलिए डिस्टेंस डी बन जाएगा। रेडेगा मुझे बनाने दीजिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से मान लीजिए कि यहाँ लाइट निकला और लाइट निकल करके ऐसे जाएगा और फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे कि लाइट निकला ऐसे और ऐसे होते हुए इस पॉइंट तक गया, फिर लाइट यहाँ से गया ऐसे और फिर वो लाइट पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर लाइट यहाँ से गया इस तरह से और लाइट हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे डायग्राम तो यही होगा, यही रे डायग्राम होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है, चलिए अब हम लोग प्लान करते हैं। ये इस पॉइंट से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इसके लिए बातें करेंगे इस साइड ऐसे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि म्यू ये है सरफेस और डिवाइड बाय वी माइनस म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय यू, और ये है म्यू सरफेस माइनस म्यू ऑब्जेक्ट और डिवाइड बाय आर, ये जानते हैं। इस सरफेस के लिए इधर जो देख रहे हैं ये पॉइंट, ये जो इसका ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज बनेगा ये जो है एक्ट एज ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि यहां से लाइट इमिट कर रहा है। इसका जो इमेज बनेगा दूसरे सरफेस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे तो कितना क्वेश्चन पढ़े हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये देखेंगे, इसका यहां से लाइट जा रहा है, लाइट को फॉलो करेंगे डायरेक्शन को, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा हुआ। मान लीजिए इस डिस्टेंस को एक्स कर लीजिए, मान लीजिए इसको एक्स कर लेते हैं, ये डिस्टेंस एक्स कर लेते हैं। डिस्टेंस तो लेना होता है पोल से ना, पोल से आपको डिस्टेंस लेना होगा। चलिए अब बताते जाइए और अच्छे से साइन कॉन्वेंशन। सरफेस 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 ये हो गया, ये सरफेस हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे, पैरेलल लाइट रे है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ एयर में। यू यू जो होगा ये डिस्टेंस लेना है, यहां से पी से लेना होता है माइनस एक्स। 1.5 माइनस 1, आर आर लेना होगा पॉजिटिव, कितना आर कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 कर लेंगे ऐसे, एकदम आसान, काफी इजी। सो ये कदम हो गया, यहाँ से आ गया 1/x इज इक्वल टू ये 0.5, तो 0.5/10 ये हटाएंगे तो 1/20, एक्स का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है, जस्ट वेट करिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, है बड़ा आसान क्वेश्चन, अब इधर आ जाइए। अगर ये एक्स है, ये 20 आ गया, तो इसका नाम, इसका यहां से यहां का नाम हो गया, ऐसा नाम हो गया d माइनस एक्स,
कर सकते हैं ना डी माइनस एक्स, क्योंकि डी निकालना था तो वो उधर एक्स है तो इधर हो गया डी माइनस एक्स इस सरफेस के लिए। यहाँ के लिए ध्यान रखिएगा, म्यू सरफेस बाई वी माइनस म्यू ऑब्जेक्ट बाई यू और म्यू सरफेस माइनस म्यू ऑब्जेक्ट बाई आर। चलिए अप्लाई करते हैं और बढ़िया से साइन कॉन्वेंशन यूज करिएगा। आज सरफेस ये हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां है तो सरफेस तो ये बन गया। वन वी, वी तो ऐसे इधर से लेना है, यहां पी से लीजिएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि जो लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेते हैं वो तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा डी माइनस एक्स माइनस ऑब्जेक्ट 1.5 यू। यू देखिए कितना है, 50 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऐसे लेना है, ये है ऐसे लेना है, ये डिस्टेंस अपोजिट तो माइनस 50, वन माइनस 1.5। और ये देखिए आर, आर इधर, आर लाइट के अपोजिट तो माइनस 10 सेंटीमीटर। पुट करते हैं, अब तो बन गया क्वेश्चन, तो 1 डी माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 20 है, छोड़ेंगे यहाँ पे, 1.5 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू माइनस 0.5, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 0.5 बाई 10, 1 डिवाइड बाई डी माइनस 20, 1.5 बाई 50, सॉरी प्लस 1.5 बाई 50, यहाँ पे 1 बाई 20। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें साइन कॉन्वेंशन ही खूब बढ़िया से रखना, ऑब्जेक्ट के मीडियम को समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट मीडियम, सरफेस मीडियम, इतना सारा प्रैक्टिस करा दिए हैं तो उससे हो जाता है, उससे पता चल जाता है आपको। तो अब आप इधर पे 1 बाई डी माइनस 20 कर लेंगे और इस साइड राइट साइड करेंगे तो 1 बाई 20 माइनस 1.5 और डिवाइड बाई 50, सो 1 बाई डी माइनस 20, यहाँ 50, यहाँ पे 50 कर लेंगे, माइनस 1.5 इंटू 20, ये 30 हो गया, डिवाइड बाई ये 20 और इंटू 50, तो ऊपर में 20 कट जाएगा, 1 बाई 50, डी माइनस 20 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ऐसा देखेंगे डी इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर होना चाहिए आंसर, तो ये है हम लोग का आंसर, आप चेक कर लीजिएगा 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 एडवांस का ही है और क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन को मैं ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया। तो लिखा हुआ है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका थिकनेस है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, ये है आपका डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ निकालना है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। एक बार इसका जो है कर्व सरफेस को टेबल पर रखना है, नॉर्मल व्यू करना है और ये जो बॉटम पॉइंट है ये आपको 3 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, फिर इसको लेंस को इन्वर्ट कर देना है, इस बार प्लेन सरफेस रखना है और प्लेन सरफेस का जो ये बॉटम पॉइंट है ये भी आप जानते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर पे है और प्लेन सरफेस का जो बॉटम पॉइंट है वो दिख रहा है 25 बाई 8 सेंटीमीटर पे। सो ये इंफॉर्मेशन है, अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए फोकल लेंथ ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। आसान है आईटी एडवांस का बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नंबर 1, सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे, हाँ इधर से स्टार्ट करते हैं, चाहे आपको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, इधर से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए नंबर 1, आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी कैसे भी, आपको मैंने ऐसे आर कर लिया और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू
और हम लोग बातें करेंगे कि ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और कोई भी लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, क्योंकि लेंस आपका कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, सब कुछ कंप्लीट है लेंस में। सो फोकल लेंथ का लेंस मेकिंग फॉर्मूला जो होता है, 1 बाई फोकल लेंथ म्यू माइनस 1 और 1 बाई आर 1 होता है और माइनस 1 बाई आर 2 होता है। तो अगर आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1 बाई एफ और यहाँ पे म्यू माइनस 1 और फर्स्ट सरफेस का फोकल लेंथ रेडियस करेंगे तो इस साइड का रेडियस तो आर 1 पॉजिटिव होगा, इधर का रेडियस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आप लाइट इधर ही आता है, लाइट के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेते हैं आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। और प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का आर 2 जो सेकेंड सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है, सेकेंड सरफेस प्लेन है तो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फाइनाइट हो जाएगा, 1 बाई इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा। सो आप पहले आप अपना लेंस का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ये है म्यू माइनस 1 और यहाँ से 1 बाई आर। सो जो फोकल लेंथ आपको निकालना है उसके लिए आपको प्लानिंग करना है आर डिवाइड बाई म्यू माइनस 1। तो फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट केस, तो आप ये लेंस से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इतना होता है। अब मुझे एक से आर निकालना है, एक से म्यू निकालना है, जो कि डाटा मेरा दिया हुआ है। अब चलिए प्लान करते हैं। सेकंड प्लानिंग हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। जस्ट इस फिगर को हम लोग फॉलो करेंगे, ये फिगर को। सेकंड पॉइंट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, हम लोग इस फिगर को प्लान करते हैं प्लेन सरफेस से। ठीक, चलिए। सो ये है हम लोग का फिगर लिखा हुआ है कि ये एक टेबल है और टेबल पे आप इस कर्व सरफेस को ऐसे आप कर देंगे और यहां इसका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और ये जो हुआ आपका रियल, ये जो टी जो रियल डेप्थ हुआ, रियल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप कर रहे हैं व्यू कर रहे हैं नॉर्मली, आप व्यू ऐसे नॉर्मली ऐसे कर रहे हैं। जब नॉर्मल व्यू करेंगे तो यहां से आपका जो पोजीशन हो गया यहां पे, ये बन रहा है इमेज बन रहा है, वो लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर में, ऐसे कर लीजिए वो दिया हुआ पेपर में, एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ, आप जानते हैं प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए आप पढ़े हुए हैं कि जो आपका एपरेंट होता है वो रियल होता है और म्यू ऑब्जर्वर होता है और डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट होता है, ये आप पढ़े हुए। ठीक है, चलिए ये है 3 कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए, ऑब्जर्वर है एयर में क्योंकि ऑब्जर्वर ये आँख हो गया, एयर में हुआ और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो यहाँ से म्यू आ गया, म्यू का वैल्यू हो गया 4 बाई 3 और मुझे चाहिए था एक एक म्यू चाहिए था और एक आर चाहिए था। तब चलिए वहां पे हम लोग पुट कर लेंगे या लास्ट में यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक बार फिर हम लोग बात करेंगे ये वाला फिगर, यहां से हम लोग आर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन करते हैं। इसका फिगर बना देता हूँ फिर से मैं, 25 बाई 8, याद रखिएगा। ऐसा हुआ रिफ्रैक्शन, ये है आपका नॉर्मल, यहां से हम लोग को व्यू करना है, हो गया। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लाइट तो ऑब्जेक्ट से ही निकलेगा, जो भी है लाइट निकलेगा ऑब्जेक्ट से, तो लाइट का डायरेक्शन देख लेंगे आप, लाइट का डायरेक्शन हुआ। ये है आपका पॉइंट पी, ठीक है, यू तो यहां से लेना है, आपको यू ऐसे लेना है क्योंकि लाइट पी पॉइंट जो कर्व सरफेस है वहीं से ना यू लेते हैं। तो U का वैल्यू जो होगा, U का वैल्यू अगर आप लेंगे तो ये तो -4 सेंटीमीटर लेना होगा, है ना,
और यहाँ इमेज बन रहा है, पेपर में लिखा हुआ है, और ये जो वैल्यू है ये भी ऐसे, जो भी आपको पोल से लेना है वी, तो वी का वैल्यू जो लिखा हुआ वो भी आप माइनस लेंगे क्योंकि लाइट के अपोजिट चल रहे हैं। क्या वैल्यू दिया हुआ था पेपर में? 25/8, तो यहाँ मिट गया मुझसे, तो 25/8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीडियम है, पता है हम लोग को, और आर, आर हम लोग को निकालना है। सो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से हम लोग आर इधर ही लेंगे, जो भी कर्व सरफेस है इधर ही आर लेंगे, तो आर भी तो निगेटिव आएगा, जो भी आर लीजिएगा आर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। म्यू जो ऑब्जेक्ट मीडियम है, जो ऑब्जेक्ट का मीडियम होता है, ऑब्जेक्ट मीडियम है ये वाला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये है आपको निकाल चुके हैं 4/3। और म्यू जो सरफेस है, सरफेस तो आप 1 कर देंगे ये वाला सरफेस, क्योंकि ये आपका ऑब्जर्वर कह सकते हैं, ऑब्जर्वर मीडियम जो है वो सरफेस जो हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट ये मीडियम हो जाएगा, बाहर का मीडियम जो होगा सरफेस मीडियम हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आर मिल जाएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू सरफेस बाय वी, म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय यू, म्यू सरफेस माइनस म्यू ऑब्जेक्ट आर डिवाइड बाय आर। चलिए म्यू सरफेस 1, वी, वी का वैल्यू माइनस 25/8 माइनस म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना 4/3, और यहाँ पे होगा माइनस 4, और यहाँ पे आप म्यू सरफेस 1 माइनस 4/3 4/3, और रेडियस, रेडियस हो गया माइनस आर। इसको मैं मिटा देता हूँ और सॉल्व करना है आपको। इसके क्वेश्चन खूब बड़े बड़े मिलेंगे, इसके सारे क्वेश्चन जितने भी एडवांस के हैं सब बड़े हैं, बट पैटर्न आसान है, पैटर्न एक ही जैसा है, सिंगल फार्मूला है, उसको अप्लाई करना है, तो ऊपर आ जाएगा -8/25, 4 कट गया, +1/3, सो यहाँ पे 3 -4 माइनस, माइनस करेंगे यहाँ, माइनस यहाँ पे करेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो 1/3 आर कर लीजिए ऐसे। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -24, सो -24 +1 डिवाइड बाई 25 इंटू 3, 1/3 आर ऐसे। सो आर इज इक्वल टू हो गया 25/ -23, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा सही डाटा नहीं लग रहा है, एक बार चेक करेंगे, एक बार रीचेक करते हैं, आप रीचेक करेंगे थोड़ा, क्योंकि डाटा करेक्ट नहीं आ रहा है, कहीं कहीं राउंड फिगर में आता है ना, सो एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूँ, 25/8 ही तो है, 25/8 करेक्ट है। यहाँ से निगेटिव हुआ क्योंकि लाइट ऐसे जा रहा है और वी लिखा हुआ है 25/8, आर, आर का वैल्यू ऐसे आ गया क्योंकि इस सरफेस से लेना है तो लाइट के उल्टा ही चल रहा है, तो यू वी सब निगेटिव है, ऑब्जेक्ट मीडियम है 4/3, सरफेस मीडियम हो गया 1, म्यू सरफेस 1 -25/8 सही है, म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीडियम 4/3 करेक्ट, यू इज इक्वल टू -4 ये कट जाएगा, 1 माइनस माइनस कटा, +3 1 -8/25 इज इक्वल टू म्यू सरफेस, म्यू सरफेस, सरफेस हो गया 1, ऑब्जेक्ट 4/3, सो वहाँ पे हो जाएगा 3 -1/3 आर, सो माइनस तो कट जाएगा 1/3 आर, ठीक है। फिर कैसे मिस्टेक हुआ, म्यू का वैल्यू भी चेक कर लेता हूँ मैं, सब तो सही है, डाटा क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं आपका, और कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक आ रहा है, सब कुछ सही है, 4/3, सो 8/25 और ये कट गया, 4 +1/3 ये भी सही है, और 1/3 यहाँ पे हो गया 3 -4 तो -1/3 यार सही है, सो ओह
कितना मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन भाई, तो मैं देख रहा था कि ऐसा आता नहीं, यहाँ मिस्टेक यही तो क्लास रहता तो आप लोग तुरंत बोल देते बेटा। भी देखिए हम लोग, मुझे खुद खोजना होता है, तो ये -24 और प्लस ये क्रॉस करेंगे तो +25, क्योंकि डाटा एकदम आईटी क्वेश्चन में तो एकदम सिंपल डाटा होना चाहिए था। तो ये है 1/3, ऊपर में हो गया 1/25 × 3, 1/3 कैंसिल हो गया, सो आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आप सही है, क्योंकि वही डाटा एकदम सिंपल होता है, आईटी क्वेश्चन का एकदम कैलकुलेशन तो होता ही नहीं है, एकदम इजी इजी सब कटते रहेगा, तो वो ऐसा मतलब सही डाटा नहीं आ रहा था, एकदम करेक्ट होना चाहिए, आर का वैल्यू एकदम राउंड फिगर में रहना चाहिए, कट जाना चाहिए। अब बताइए फोकल लेंथ जो था आपका था क्या, R/μ-1। अब आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 25 हो गया, म्यू 4/3 और -1, सो ऊपर में 75 और यहाँ पे 1 कर लेंगे, तो यस फोकल लेंथ इज अ 75 सेंटीमीटर। मैं चेक करता हूँ ऑप्शन में, 75 सेंटीमीटर करेक्ट है, 75 सेंटीमीटर यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईटी मेन का है और 2019 का क्वेश्चन है, फिगर नहीं था क्वेश्चन में, स्टेटमेंट था जो मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और स्टेटमेंट ये था कि आई, ह्यूमन आई जो है, वो आई जो है वो एक कर्व सरफेस है। ऑफ कोर्स हम लोग आई बनाते हैं, हम लोग हर फिगर में आई ऐसे बनाते रहते हैं, इस तरह से आई बनाते हैं, तो आई जो है वो एक कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। इस आई के अंदर आप जली रहता है, फ्लूड है, फ्लूड जो फ्लो कर रहा है आई के अंदर, जानते हैं आप, तो वो उस फ्लूड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.34, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ 7.8 मिलीमीटर, और लिखा हुआ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एज अ फोकस एट पॉइंट, सम पॉइंट कोई भी पॉइंट है, वो हमें डिस्टेंस डी चाहिए। एकदम आसान है, काफ़ी इजी, तो फिगर आपको बनाना है खुद, क्वेश्चन से ड्राइंग कन्वर्ट करना आपकी ड्यूटी है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस पढ़ना है तो अच्छा ड्राइंग सीखिए। यहाँ हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है इस तरह, ऑब्जेक्ट का मीडियम, ऑब्जेक्ट मीडियम जो हो जाएगा वो इक्वल टू 1। म्यू सरफेस, अगर सरफेस मीडियम पढ़ेंगे तो 1.34 हो गया। वी वी इज इक्वल टू प्लस डी, ये प्लस डी क्योंकि ये इस साइड आप लेंगे, इस पॉइंट पी से लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और आर आर भी प्लस होगा क्योंकि आर कर्व सरफेस में रेडियस इधर जाएगा, वो होगा +7.8 मिलीमीटर। मेरे पास सारा डाटा है, सब कुछ डाटा है, अब तो मैं तुरंत बना लूँगा। सो मेरे पास कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला है, म्यू सरफेस बाई वी, म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई यू, म्यू सरफेस माइनस म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, फिगर आपको अच्छा से ड्राइंग करना आपको आना चाहिए। सरफेस 1.34 बाई डी -1 इनफाइनाइट, 1.34 -1 डिवाइड बाई आर 7.8, 1.34 आर डिवाइड बाई डी, 0.34 डिवाइड बाई 7.8, सो डी इज इक्वल टू 1.34 मल्टीप्लाई बाई 7.8, 0.34 ये है मिलीमीटर, सॉल्व कर लीजिए, 1.34 मल्टीप्लाई बाई 7.8 डिवाइड बाई 0.34 30.7, सो आंसर है 30.7 मिलीमीटर, सो यहाँ सेंटीमीटर में लिखा हुआ, ठीक है, सो मुझे लिखने दीजिए 30.7 मिलीमीटर है, और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो 3.07 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन में है इसके क्लोज 3.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो ठीक है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन,
क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन है, जितने भी वेरिएशन है मैंने कंप्लीट कर दिया। एक क्वेश्चन और, सो ये मेडिकल क्वेश्चन है, बड़ा सा स्टेटमेंट है, काफ़ी बड़ा सा स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, और उसको आप जब ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो आईटी का क्वेश्चन जैसा ही है। ये है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको अगर हम लोग कर्व सरफेस को टेबल पे रख रहे हैं तो ये पॉइंट का जो लोकेशन है 4 सेंटीमीटर पर आ रहा है, यहाँ से तो मिल जाएगा व्यू, और जब इसको उलट दे रहे हैं तो वही पॉइंट का जो सॉरी ये 6 सेंटीमीटर ना, ये तो ब्लू वाला 6 सेंटीमीटर है और अब आ रहा है 17 बाई 4 सेंटीमीटर। सो 17 बाई डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्लेन सरफेस इज फाउंड टू बी 17 बाई 4 सेंटीमीटर। मुझे सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। चलिए यहाँ आप जल्दी से बना लीजिए इसका ड्राइंग। आप पढ़े हुए तो आप जो जानते हैं एक्स एक्स जो जानते हैं वो टी और म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाई म्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप प्लेन सरफेस से देख रहे हैं तो एक्स का वैल्यू है 4, रियल डाटा है 6 और ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर एयर में है, ऑब्जेक्ट हुआ म्यू, तो म्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 बाई 4, 6 बाई 4 इधर 3 बाई 2 और 1.5, यहाँ से तो म्यू मिल गया। ठीक है, अब इधर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए आप एक बार फिर से प्लान बनाना चाहते हैं तो एक बार देखिए यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस आपको करना है और कर्व सरफेस में ऐसे देखिए यहां से आपको व्यू करना है और बताइए ये पॉइंट है पी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां है, आप ध्यान रखिएगा ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, लाइट को आप दिखा दीजिएगा, लाइट ऑब्जेक्ट से लेना है, सारा डिस्टेंस देखते जाइए, ये है U, ये U हुआ, U कहलाएगा, U आप लेंगे तो अपोजिट टू द लाइट के अपोजिट चल रहे हैं -6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे बना रहे हैं इमेज, यहाँ इमेज बना रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेंगे V, सो V लेंगे तो V भी माइनस है 17 बाई 4 सेंटीमीटर होगी। अब आप बताएंगे ये है R, ये यहाँ से यहाँ ऐसे लेंगे तो ये R, तो R भी आप देखेंगे तो R तो निगेटिव ही आ रहा है, ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट मीडियम है 1.5 और सरफेस सरफेस मीडियम 1, ये है सरफेस बन जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये ऊपर में सरफेस, सरफेस या ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, ये सरफेस हुआ तो सरफेस मीडियम जो है 1 हो गया। फॉर्मूला आपके पास है म्यू सरफेस बाय वी, म्यू ऑब्जेक्ट बाय यू, म्यू सरफेस माइनस म्यू ऑब्जेक्ट आर डिवाइड बाय आर। चलिए सॉल्व करते हैं, म्यू सरफेस 1 बाय वी माइनस 17 बाय 4 माइनस ऑब्जेक्ट 3 बाई 2 यू, यू हो गया -6, म्यू सरफेस सरफेस हो गया 1 -1.5 आर, आर का वैल्यू हो गया -r। सॉल्व करेंगे -4 बाई 17 प्लस 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई ये 0.5 हुआ -0.5 और 1 बाई 2 आर। सॉल्व करिए, सो मेडिकल क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट वही आईटी एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है। सो अब आप फाइनली सॉल्व करते हैं हम लोग। सो ये आपका रिजल्ट आ गया, आपने अभी बनाया था। सो यहाँ पे आप इस साइड लिख लेंगे 1 बाई 2 आर और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया 1 बाई 4, कट यहाँ 1 बाई 4 तो 1 बाई 4 माइनस 4 बाई 17।
सॉल्व करिए, 1 बाई यहाँ पे 2R हो गया और यहाँ पे हो गया 17 और माइनस हो गया 16 डिवाइड बाई 4 इंटू 17, ठीक है। सो 1 बाई 2R इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1, 4 बाई 17। सो 2R इज इक्वल टू 4 इंटू 17, R इज इक्वल टू 2 इंटू 17, सो R 34 सेंटीमीटर। तो था आंसर मेडिकल का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही IT एडवांस का क्वेश्चन था। सो ये तो फाइनल, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस कंप्लीट।